हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम रिव्यू करने वाले जॉन इब्राहिम की एक्शन सुपर सोल्जर मूवी एंड इंडिया की फर्स्ट सुपर सोल्जर मूवी यानी अटैक पार्ट वन की। दोस्तों मूवी यहाँ पे पूरा खत्म कर चुका हूँ एंड देखने के बाद जो मेरा फर्स्ट रिएक्शन है, जो मेरा फर्स्ट ओपिनियन है, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। भाई मूवी रिलीज से पहले आप सब लोगों ने इस मूवी को फ्लॉप घोषित कर दिया है। क्या सच में मूवी फ्लॉप है या फिर सच में मूवी धमाके का रोलर कोस्टर है? इस वीडियो के अंदर आपको पता चलने वाला है कि क्या सीन हुआ है, क्या सीन नहीं हुआ है, मूवी कैसा है, बॉलीवुड ने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे सफल हुआ है, कुछ नया दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस मूवी के अंदर, क्या वो नया चीज सच में सफल हुआ है। एंड दोस्तों ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, रिलीज से पहले ही मूवी फ्लॉप हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सबसे पहले देखो, हम पहले ही बॉलीवुड का ये सभी चीजें कहते आ रहे हैं, लेकिन जो कुछ नया अगर करने की कोशिश कर जाए तो अप्रिशिएट करना बनता है, वो कोई भी हो, तो इसको भी भाई अप्रिशिएट करो। एंड मूवी अगर बात करें, फर्स्ट ही मैं कह देता हूँ देखो एंड आपको मजा आएगा, ये चीज मैं कहता हूँ। अभी पूरा रिव्यू सुनो, उसके बाद आपको पता चलने वाला। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट हाफ की, फर्स्ट हाफ कैसा गया। तो मूवी का जो स्टार्टिंग होता है, स्टार्टिंग के 15-20 मिनट जब आप मूवी देखोगे, आपके माइंड में यही सवाल आएगा कि मैं मूवी देखने गया तो गया क्यों, ये फिर से ये लोग दिखावा कर रहे हैं। क्योंकि 15-20 मिनट आप कहोगे कि वो ही चीज़, वही पुराना जॉन इब्राहिम का मूवी का जैसा वैसा होता है, वही चीज़ देखने को मिलता है, वही जैकलिन फर्नांडिस का वही सीन, वो आती है, गाती है, हंसती है, बसती है, वो सभी चीज़ें वही। मतलब अभी जैकलिन फर्नांडिस का एक ही मतलब सेट हो चुका है कि वो हर चीज़ के अंदर 15-20 मिनट के अंदर वो कुछ होगा और वो मर जाएंगी, सेम चीज़ इसके अंदर देखने को मिलता है। और 15-20 मिनट आपके अंदर से ऐसा निकलेगा, एक बार आप ये भी सोचोगे कि भाई फिर से वही चीज़ यहाँ पे रिपीट किया जा रहा है जो कि हमें नहीं देखना था। लेकिन 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 मेरे भाई, जैसे मूवी आगे ट्रैक पकड़ता है, जैसे जॉन इब्राहिम अपने ऑरा में आते हैं, जैसे उनको प्रोजेक्ट मिलते हैं, वो मिशन में चलते हैं, भाई साहब ये पूरा मूवी, पूरा जो 15 मिनट का आपका दिमाग में ऐसे भसर हो गया था, वो भसर पूरे तरीके से ख़त्म होता है और वो मिशन में जाते हैं। आप भी एक एक्साइटमेंट के मिशन में निकलते हो, भाई साहब क्या चीज़ है। और एक चीज़ मैं आपको कहता हूँ कि इस मूवी के बाद जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट निकला है, जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया है, जो नया कॉन्सेप्ट दिया है, आप इसको कंपेयर करने वाले हॉलीवुड के साथ में क्यों क्या? जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे रेडी किया उसका जो पार्ट है हॉलीवुड के एक मूवी के पार्ट से यहाँ पे मिलता है। हम बात करें वेनम की, आपने वेनम देखा होगा, काफ़ी पॉपुलर, काफ़ी सुपर हिट मूवी है। उसके अंदर क्या हुआ था, वेनम एक आदमी के शरीर में घुस जाता है एंड उसके बाद वो दोनों मतलब कहते हैं कि वो उसके अंदर ही रह जाता है, बाद में वो अच्छा होता है, जो जो चीज़ें आपको देखने को मिलती है उनके अंदर। उसी तरीके से जॉन इब्राहिम के अंदर भी एक प्रोग्राम यहाँ पे फिट किया जाता है जिसका नाम है ईरा। एंड उसके बाद से जो सीन यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कॉमेडी बन के आता है, उन दोनों का जो नोक जोक, वो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलता है, वो काफ़ी फैंटास्टिक देखने को मिलता है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है, इसके बाद लोग यहाँ पे कहेंगे कि ये बॉलीवुड का सस्ता वेनम है। मैं क्या कह जा रहा हूँ, थंबनेल वंबनेल जो जो जगह है सभी जगह पे लिखेंगे एंड ये चीज़ हमें ट्रेंड करवाएंगे कि ये बॉलीवुड का सस्ता वेनम यहाँ पे हमें देखने को मिला है। लेकिन भाई सस्ता हो जो भी हो, भाई जो दिखाया गया ना सच में फैंटास्टिक दिखाया गया। और इस तरीके से जब भी कोई ऐसा नया चीज़ बॉलीवुड में नहीं कहूँगा, इंडियन सिनेमा के अंदर जैसे भी सुपर हीरो सोल्जर ऐसे भी मूवीज़ बनते हैं और बन भी चुके हैं, ऐसे जब बनते हैं ना तब जो दिखाते हैं ना तो थोड़ा सा अनलॉजिकल लगता है, क्योंकि वो जिस वे में दिखाते हैं और हॉलीवुड के अंदर जिस लेवल के मूवीज़ बनते हैं उनके अंदर वो जो कहानी प्लॉट जो जो चीज़ें स्क्रीन प्ले जिस लेवल पर चलाए जाते हैं वो अलग लेवल के होते हैं। हॉलीवुड के सेट जो लेवल होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन बॉलीवुड के अंदर कहो, इंडियन सिनेमा के अंदर कहो, साउथ मूवीज़ के अंदर कहो, जितने भी ऐसे सुपर हीरो सोल्जर्स मूवी बने तो नहीं है, लेकिन जितने भी सुपर हीरो मूवीज़ बने हैं उस हिसाब से जस्टिफाई नहीं करता। और जब भी दिखाते हैं ना अनलॉजिकल चीज़ होता है, अनलॉजिकल लगता है कि यार जो दिखा रहे ना कॉन्सेप्ट के साथ मेल खा रहे, ना जो दिखा रहे ना हम पचा पा रहे। लेकिन इस मूवी के अंदर जो दिखा है, मतलब जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे रेडी किया, जो प्रोग्रामिंग फाइल जो जो चीज़ें उनको मिशन में भेजते हैं, एक प्रोग्राम उनके अंदर सेट करते हैं, उनके अंदर एक अलग ही एक आत्मा आ जाती है, जॉन इब्राहिम के अंदर भी और एक इंसान है, वो जो चीज़ें यहाँ पे हमें बताया जाता है, जो दिखाया जाता है, वो काफ़ी हद तक हम पचा भी पाते हैं, काफ़ी हद तक हमें सभी चीज़ों के बारे में दिखाया जाता है। बाकी के फिल्मों के अंदर वो चीज़ नहीं होता, कुछ भी करते और दिखाया जाता है और हम दिमाग ऐसे कर जाते हैं ये क्या बना, ये क्या बना। लेकिन इसके अंदर आपको अच्छी तरीके से समझाया जाता है कि हाँ इस कारणवश ये चीज़ यहाँ पे हुआ है, जो कि काफ़ी प्रॉमिसिंग लगता है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका। एंड साथ साथ बात करें इस मूवी की एक्शन सीन्स की, धुआंधार धमाकेदार, भाई क्या करे, गर्दा उड़ा देने वाला एक्शन सीन्स। इंटरवल से पहले जो गर्दा उड़ा देने वाला फायर एक्शन सीन देखने को मिलता है ना भाई साहब, आप देख के पूरा टोटल हिल जाओगे, आप कहोगे कि भाई मूवी देखने आया सफल है, भाई साहब के एक्शन है, जो सुपर हीरो वाला जो कॉन्स्ट्यूम पहन के जॉन इब्राहिम आते हैं वैसे हट्टे कट्टे चौड़े इंसान है, और जो सुपर हीरो सोल्जर के अवतार में जो जॉन इब्राहिम लगे ना भाई साहब, मेरे भाई ने उड़ा दिया। जितना उन्होंने गलती उस प्रोजेक्ट को चुन के किया था, सत्य में विजय थे 2 उसको किया, जितनी हेट उनको उस मूवी से मिली थी, जितना भी चीज़ें हुआ था,
इस मूवी के बाद भाई तारीफों के फूल बांधने वाले, क्योंकि जॉनी इब्राहिम का काम मैंने कहूंगा आउट एंड आउटस्टैंडिंग हुआ है, लेकिन जितना उनको दिया गया है बाकी फिल्मों से मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस अटैक मूवी के अंदर जॉनी इब्राहिम का लगा। काफी ज्यादा धमाकेदार और उसके अंदर अब जैकलिन को हटा दो और इस मूवी के अंदर और एक हीरोइन है जिनका नाम है रकुल प्रीत सिंह। भाई साहब क्या परफॉर्मेंस, जो पूरा प्रोजेक्ट को यहाँ पे संभालते हैं, उनके अंदर जो है प्रोग्रामिंग किया जाता है, मतलब बेसिकली वो एक डॉक्टर है एंड पूरे प्रोग्राम को वो ही हैंडल करते हैं। काफ़ी अच्छी तरीके से उनका जो रोल दिया गया काफ़ी प्रॉमिसिंग तरीके से, काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने किया है। भाई इसको कहते हैं एक्टिंग। लेकिन इस रोल के अंदर अगर जैकलिन को दिया जाता, भाई साहब इस रोल को इस लेवल पर ख़त्म करने वाली थी उनके खतरनाक भयंकर एक्टिंग से। भाई साहब इस पूरे कहानी का जो एक मूल पार्ट है ना, विषय, उसको एक कॉमेडी वे में लगा देता। जैकलिन इस डॉक्टर वाले रोल के अंदर होती तो थैंक गॉड ऐसा कुछ नहीं किया और रकुल प्रीत को ही दिया। काफ़ी प्रॉमिसिंग एक्टिंग कर रहे थे एंड उसके बाद जैसे इंटरवल खत्म होता है भाई, ऐसा टेक्स्ट पे छोड़ता है ना भाई, मज़ा आ जाता है। उसके बाद मैंने सोचा कि भाई इस लेवल का, मतलब आप जो 15-20 मिनट आप भूल जाओगे, उसके बाद जो जो चीज़ देखने को मिलेगा इंटरवल के अंदर आप भूल जाओगे, एंड उसके बाद जब आप जाके सेकेंड हाफ देखोगे ना, अब सर पकड़ के बैठ जाओगे। इंटरवल जब होगा, जब मूवी ख़त्म होता है, जहाँ पे ये मूवी छोड़ता है पार्ट टू के लिए, भाई साहब ये पूरा खा डालता है, पूरा खा डालता है। क्या रावस आदमी है यार, क्या रावस, क्या बढ़िया तरीके से लास्ट में ख़त्म किया है भाई साहब। और जो नोक पे छोड़ा है ना, अभी मज़ा आएगा, अभी सच में मज़ा आएगा। एंड जो जो चीज़ें इसके अंदर दिखाएगा, जो सेकेंड पार्ट के अंदर भी जो कहानी का बिल्डअप हुआ है, जहाँ पे छोड़ा है एक नोक पे छोड़ा है एंड उसी लेवल पे, मुझे लग रहा था कि कभी अप्स एंड डाउन आएंगे, कुछ होगा, ये कुछ गलती करेगा, ऐसा होगा वैसा होगा इसके अंदर कुछ, लेकिन नहीं भाई, नहीं, जो जो चीज़ें दिखाई थी फुल ऑफ रफ्तार। मतलब सेकंड पार्ट और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सेकंड पार्ट के अंदर जो मिशन है उसका भी जो एक हाई है स्केल है सॉरी उसका भी जो एक स्केल है वो भी हाई हो जाता है। काफ़ी बढ़िया तरीके से देखने को मिलता है, आपको फालतू की चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी, ज़्यादा आपको नहीं देखने को मिलेंगी। जॉन इब्राहिम और ईरा का बहुत ही कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा, उन दोनों का कॉमेडी सीन्स भी देखने को मिलेगा, वो उनकी बातें नहीं सुनती, वो इसका बात नहीं सुनता, मतलब दोनों को डोमिनेट करती है, जो कि आपको वेनम के अंदर भी देखने को मिला था। लास्ट में जाके वो जो चीज़ें एंड लास्ट का मैं क्लाइमेक्स को स्पॉइल नहीं करने वाला, खुद जाओ मूवी देखो, मज़ा करो। एंड जो जिन्होंने भी देखा होगा समझ रहे हो कि भाई मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा रावस चीज़ यहाँ पे मेरे को देखने को मिला, मुझे काफ़ी मज़ा आया मूवी देख के। आप लोगों का ओपिनियन है, देखा मूवी नहीं देखा मुझे कमेंट बॉक्स में उसे बता सकते हो। मैंने जस्ट फर्स्ट जो इंटरवल है उसको यहाँ पे क्लियर किया, मैं सेकंड इंटरवल को नहीं करने वाला, जाके मूवी देखो आपको पता चलने वाला है। मैं जस्ट बेसिक बता रहा हूँ कि सेकंड जो नोक है, अगर आप फर्स्ट पसंद आता है आपको तो सेकंड आपको मतलब भा जाएगा आपको, कहोगे कि भाई मज़ा आ गया। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसे बता सकते हो, कौन सा पार्ट इस मूवी का अच्छा लगा वो मुझे उसे बता सकते हो, जॉन इब्राहिम का एक्टिंग आपको कैसा लगा वो मुझे उससे बता सकते हो, एंड डायरेक्टिंग भी काफ़ी अच्छी से किए गए, सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छी तरीके से फरमाए, जो डायलॉग्स लिखे हैं काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग है, कुछ डायलॉग्स थोड़े से जाते हैं बट, लेकिन जो ओवरऑल डायलॉग्स यहाँ पे लिखे हैं काफ़ी अच्छे से लिखे गए, स्क्रीन प्ले भी काफ़ी ठीक ठाक तरीके से चलता है। तो ओवरऑल मूवी एक कंप्लीट पैकेज, एक कह सकते हो कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, बट इस एक्सपेरिमेंट में मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत ही बढ़िया तरीके से खड़े उठ रहे हैं। अगर मैं फर्स्ट हाफ को बोलूँगा तो 5 में से तो मैं 3/5 स्टार देना चाहूँगा, पूरे मूवी को 10 में से देना चाहूँगा तो 7/5 स्टार मैं इसको देना चाहूँगा। आप लोगों को इसमें क्या कहना मुझे कमेंट बॉक्स में उसे बता सकते हो, आप लोगों का इस मूवी के अंदर कौन सा फेवरेट पार्ट था, कौन किसका परफॉर्मेंस आपको अच्छा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसे बता सकते हो। अगर मेरा रिव्यू रिएक्शन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे मूवीज के पल पल का हर अपडेट आपको 10 यूट्यूब चैनल के अंदर सबसे पहले देखने को मिलता है, जितने भी लीक सबसे जो जो चीज़ें होते हैं सबसे पहले इस चैनल के अंदर ही आपको देखने को मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, 2K भी होने वाले हैं, मूवी भी काफ़ी बढ़िया गया है, मैं चाहता हूँ कि आज ही के दिन आप लोग चैनल के अंदर 2K कंप्लीट करवा दीजिए। तो प्लीज़ यार जितने भी लोग नए देख रहे हो चैनल के अंदर, नए जुड़े हो भाई लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड मूवी का जो लास्ट क्लाइमेक्स आप देखोगे, अभी आप खुद जज करना है, देखने के बाद अगर देख रहे हो तो जज कर देना कि कैसा लगा कैसा नहीं लगा भाई, किसी को बढ़िया लगेगा किसी को लगेगा भाई क्या कर दिया। सो इस विषय में आपका क्या कहना मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, वीडियो अच्छा लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, जय।